व्यापार मंडल कालका के व्यापारियों की मीटिंग शहर कालका के मेन बाजार में मंडल चेयरमैन देवेंद्र जैन और डिप्टी चेयरमैन संदीप गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में व्यापार मंडल कालका की इन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिनमें कई पदाधिकारियों और कार्यकारिणी को मंडल में शामिल किया गया। मीटिंग में अनिल सूद को व्यापार मंडल कालका का नया प्रधान बनाया गया, जबकि पहले संदीप गर्ग प्रधान पद पर काबिज थे। संदीप गर्ग को डिप्टी चेयरमैन चुना गया, जबकि अन्य कार्यकारिणी में चीफ पैटर्न्स में राजन गुप्ता, अशोक कुमार कुक्कू, कुलभूषण गोयल को शामिल किया गया। संदीप गोयल को उपप्रधान, प्रेमचंद गुप्ता को संयुक्त सचिव और निखिल दुपुर को शामिल हुए, जबकि अन्य कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिनकी विधिवत घोषणा भी की गई। हमारी सारे बाजार की सब समिति से एक बैठक हुई है आज, जो चल भी रही है, उसमें हम सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, जिसमें चेयरमैन कालका के व्यापार मंडल के श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, प्रधान अनिल सूद जी, वाइस चेयरमैन संदीप गर्ग, चीफ पार्टनर राजन गुप्ता जी और हमारे अशोक कुमार कुक्कू जी, उप प्रधान संदीप गोयल जी, महासचिव प्रेमचंद गुप्ता जी, संयुक्त सचिव निखिल ईश्वर स्वीट्स वाले, आज हम ये सभी पदाधिकारियों का चयन हुआ है। व्यापार मंडल कालका के नवनियुक्त चेयरमैन देवेंद्र जैन ने कहा कि मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि कालका शहर में हो रही चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए और कालका शहर में अन्य समस्याओं के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की जाएगी और सारी समस्याओं का हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। बाजार में चोरियां हो रही थी, लूटपाट हो रही है, रास्ता जाम रहता है, पुलिस वाले चलान करते हैं। हिमाचल से हमारा सारा व्यापार है, हिमाचल से जो गाड़ी आती है उनके चलान कर देते हैं, तो व्यापारी हिमाचल से व्यापार होना बंद हो गया है हमारा। हिमाचल का ही कहा गया मैं। हाँ, चोरियों के बारे में सब सारा पूरा बाजार एक है, हम सब एक, और देख के इसका समाधान करवाएंगे, पुलिस से कहेंगे रोज चोरियाँ हो रही हैं।